हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक की कि हम बिना टाइप करे वॉइस कमांड की मदद से कैसे हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपने जाना है गूगल पे। गूगल पे आपने सिंपल टाइप करना है doc.new। doc.new जैसे ही आप टाइप करोगे और एंटर करोगे, एंटर करते ही ये क्या करेगा, आपको गूगल ड्राइव का एक फीचर होता है गूगल डॉक्स, उसके अंदर ही आपको ओपन कर देगा। या आप चाहो तो drive.google.com पे जाओ और वहां से जाके भी इस फीचर को आप खोल सकते हो। लेकिन doc.new इसकी एक शॉर्टकट की कह सकते हो, जिसकी मदद से आप सिंपली अपने गूगल डॉक के डॉक्यूमेंट को इजीली खोल सकते हो। अब ये इंटरफेस होता है गूगल डॉक का। ये डेस्कटॉप वर्जन जो हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं, सिमिलरली ऑनलाइन वर्जन है, सेम सारे फीचर्स वही हैं, लेकिन कुछ एक फीचर्स इसमें गूगल के कुछ एक्स्ट्रा हमें मिल जाते हैं। तो उसी फीचर की मदद से आज हम हिंदी में वॉइस टाइपिंग करना सीखेंगे। इसके लिए आपको जाना है, सबसे पहले अपनी ये फाइल को आप सेव कर सकते हो। यहाँ से अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, इस पे आपने डबल क्लिक करना है और यहां से आपने इसका नाम चेंज कर देना। जैसे मैं कर देता हूं टाइपिंग इन हिंदी, और कहीं पे भी आप बाहर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, सेव टू ड्राइव इस तरीके से आ जाएगा। आपने इसमें कोई कंट्रोल एस या सेव करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट सेव होती रहती है। एवरी मिनी माइक्रो सेकेंड ये अपने आप से डेटा सेव कर लेता है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है इसको टूल्स के अंदर, टूल्स के बाद वॉइस टाइपिंग पे जाना है, या आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl Shift S। Ctrl Shift S आप जैसे ही प्रेस करोगे तो ये इस तरीके से एक टैब खुल के आएगा। ये इसका एक वॉइस कमांड का फीचर होता है। इसके लिए बाय डिफॉल्ट आपको इंग्लिश यूके लैंग्वेज सेलेक्ट करके दिखा रहा है, ये आपने चेंज कर देनी है। इसको चेंज करने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप हिंदी चूज कर लोगे। हिंदी सबसे नीचे आ रहा होगा, तो आपने ड्रॉप करते हुए नीचे जाना है और यहाँ से हिंदी को चूज कर लेना है। हिंदी चूज करते ही जैसे ही आप इसमें क्लिक टू स्पीक वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। ये देखिए, जो भी आप अब बोल रहे हो वो हिंदी में टाइप इजीली हो रहा है। आपने कुछ भी हिंदी में कीवर्ड से टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो हमारे बहुत काम आने वाला है। जैसे ही आपका काम हो जाए, बस आप इस वाले वॉइस वाले माइक वाले बटन पर दोबारा से क्लिक कर दो और डन, आपका काम हो गया, आपकी टाइपिंग हो गई है। अब आप ये चाहते हो कि इस फाइल को मेरे को सेव करना है, जो मैं अपने मेरे पास एमएस ऑफिस का वर्जन है उस पर भी मैं इस पर काम कर पाऊं, इसके लिए आप फाइल पे जाओगे। फाइल पे जाने के बाद आप सीधा यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड टू MSWord.docx, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लोगे और ये इजीली आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। जो फाइल का नाम आपने सेव किया हुआ था उसी फाइल के नाम के साथ ये डाउनलोड हो गई है। इसको आप क्लिक करके ओपन भी कर सकते हो। ये देखिए, जो भी आपने वॉइस के साथ टाइप किया था वो इस पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से हम हिंदी में वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।